जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त शुभम जावा एमसीक्यू पार्ट टू में। दोस्तों क्या आपको सच में जावा आती है? दोस्तों यदि इसका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे आगे वीडियो में जावा एमसीक्यू के आंसर ज्यादा से जल्दी देने के लिए, और अगर नहीं तो आप भी बने रहे दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। दोस्तों आप इसका मतलब ऐसे बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है जो पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है जावा में। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर है बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाई जेवीएम। बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाई जेवीएम। इसका दोस्तों आप देख सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ जावा कंपाइलर इज बाइट कोड विच लीड्स टू द सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ जावा कोड। दोस्तों यहाँ पे देखें, बाइट कोड ही रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ जावा कोड। दिस इज अ हाईली डेवलप्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर डिजाइंड टू द एग्जीक्यूटेड बाई द जावा रन टाइम सिस्टम नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। दोस्तों आप ये भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अब बिना समय गए हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि द अंडर स्कोर दोस्तों दस बैकस्लैश यू डबल जीरो टू वन आर्टिकल रिफर्ड टू एज अ। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। यूनिकोड स्केप सीक्वेंस, ऑक्टल स्केप, हेक्साडेसिमल एंड लाइन फीड। दोस्तों इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। दोस्तों तो इसका आंसर होगा क्या बताइए दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों यूनिकोड स्केप सीक्वेंस। दोस्तों यूनिकोड स्केप सीक्वेंस ऐसा क्यों दोस्तों? जैसे देख सकते हैं कि इन जावा यूनिकोड कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड इन स्ट्रिंग लिटरल्स कमेंट्स एंड कमांड्स आर एक्सप्रेस्ड बाय यूनिकोड स्केप सीक्वेंस। अ यूनिकोड स्केप सीक्वेंस इज मेड अप द फॉलोइंग आर्टिकल्स। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लैक स्लैश आस्काई कैरेक्टर 92 ए यू आस्काई 117 दोस्तों वन आर मोर एडिशनल कैरेक्टर्स। दोस्तों आप ये देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप देखिए, अंडरस्कोर इज यूज्ड टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन द जावा प्रोग्राम। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो बग फाइंड जावा में बग फाइंड करने के लिए होता है दोस्तों, आप बता उसका नाम बताइए दोस्तों। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें से जो ऑप्शन है वो है दोस्तों JDB। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं द जावा डीबगर। दोस्तों JDB मतलब जावा डीबगर इज कमांड लाइन जावा डीबगर दैट डीबग्स द जावा क्लास। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है दोस्तों। अब ये देखिए, हम आपको अपने नए क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन फ्लोट इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई जीरो रिटर्न। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए कि हम 35 को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। दोस्तों ये रहा ऑप्शन जीरो, नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी, रन टाइम एक्सेप्शन। दोस्तों क्या मिलेगा हमें इन चारों में से, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? दोस्तों तो इसका ऑप्शन होगा इन्फिनिटी। दोस्तों आप इसे प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा दोस्तों। देन दोस्तों हमारा अब प्रोग्राम है द अंडरस्कोर यू डबल शून्य टू वन आर्टिकल रिफर्ड टू एज अ। दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका आंसर इसी PDF में है दोस्तों, आप जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये देखिए, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ हैश कोड मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। दोस्तों व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ हैश कोड मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। दोस्तों ऑप्शन ये रहा ऑब्जेक्ट, इंट, लॉन्ग और वाइड। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है, इसका आंसर होगा दोस्तों इंट। इंट क्यों दोस्तों? क्योंकि इन जावा द रिटर्न टाइप ऑफ हैश कोड मेथड इज एन इंटीजर एज इट रिटर्न्स अ हैश कोड वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों देख सकते हैं कि इसने बता रखा है कि जावा में रिटर्न टाइप्स ऑफ हैश कोड मेथड इज एन इंटीजर एज इट रिटर्न्स अ हैश कोड वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हमारा नया क्वेश्चन, आपको इवेल्युएट करना है यदि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है एंड जेड की वैल्यू 10 है तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों इस एक्सप्रेशन का क्या होगा आंसर, अगर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 10 हो तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी से हमें बताइए दोस्तों। ऑप्शन ये रहा 24, 23, 20, 25। दोस्तों
आपको हमें पता होगा कि आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा दोस्तों। ये देखिए आंसर रहा 25, 11 + 5 - 5 + 11 + 3। दोस्तों इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे कोटेड कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा है। दोस्तों हम आपको नए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू जनरेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इन एचटीएमएल फॉर्मेट फ्रॉम द कमेंट्स इन सोर्स कोड। दोस्तों ऑप्शन ये रहा जावा टूल, जावा कमांड, जावा डॉक टूल, जावाज कमांड दोस्तों, जावा एच कमांड दोस्तों। इन चारों में से कौन सा कमांड सही है दोस्तों, जो जावा में जब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कंपलसरी है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये है जावा डॉक टूल दोस्तों, ये है जावा डॉक टूल जो जावा में जनरेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नया क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ द क्लास डॉट क्लास इज यूज टू डिटरमाइन द नेम ऑफ क्लास रिप्रेजेंट्स बाय द क्लास ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग। दोस्तों आपके पास ऑप्शन ये रहे गेट क्लास मेथड, इंटर्न मेथड, डॉट गेट दोस्तों, गेट नेम मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप हमें बताएं कमेंट करके दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा गेट नेम दोस्तों। दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नया क्वेश्चन ये रहा इन विच प्रोसेस और लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम एज वन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, सीरियलाइजेशन, वेरिएबल्स, शोडाउन, शाडोइंग, एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टी थ्रेडर। दोस्तों दोस्तों इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों, इन विच प्रोसेस और लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम एज वन ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। दोस्तों होगा इसका आंसर वेरिएबल शेडोइंग। दोस्तों इसका आंसर होगा वेरिएबल शेडोइंग। दोस्तों आपको हमारे ये एमसीक्यू सीरीज कैसे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे हमारे एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें आपके जावा के जो नॉलेज है वो अपग्रेड होंगे दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इस चैनल को शेयर करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।